हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्कर वाइल्ड का अ लेडी विंडरमेयर फैन, अ प्ले अबाउट अ गुड वुमन। इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड इन 1892 एंड इट इज अ फोर एक्ट कॉमेडी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सो वी डिस्कस इट वेरी केयरफुली। नाउ वी विल सी द कैरेक्टर्स। सो दिस इज द स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी देयर आर फोर कैरेक्टर्स, लेडी विंडरमेयर एंड लॉर्ड विंडरमेयर। ये बहुत ही हैप्पी कपल होता है और इनका एक 6 मंथ का बेटा भी होता है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि मॉर्निंग टाइम पे ये जो लेडी विंडरमेयर है ये क्या कर रही है, अपनी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही है पार्टी के लिए। ये बर्थडे की प्रिपरेशन करती है और उसके साथ ही ये अपने हस्बैंड लॉर्ड विंडरमेयर से पूछती है कि बताइए आप पार्टी में क्या क्या करना है। तो लॉर्ड विंडरमेयर क्या कर रहे हैं, एक गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हम लोगों को किन किन गेस्ट को पार्टी में बुलाना है। तो लॉर्ड विंडरमेयर पूछते हैं लेडी विंडरमेयर से कि क्या हम लोग मिसेस इरविन को बुला लें। ये है मिसेस इरविन, मिसेज इडलिन को हम लोगों को बुलाना चाहिए। तो लेडी विंडरमेयर यहाँ पे मना कर देती है कि नहीं, हम लोग मिसेज इडलिन को नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे लॉर्ड विंडरमेयर लेडी विंडरमेयर के मना करने के बाद भी मिसेज इडलिन को पार्टी में बुला लेते हैं। पार्टी में बुलाने के बाद अब दिखाते हैं सीन की पार्टी स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे मिसेज एवलिन भी आई है, लॉर्ड डार्लिंगटन भी आए हैं और डचेस ऑफ बर्विक भी आई है। पार्टी चल रही होती है, वहां पे डचेस ऑफ बर्विक लेडी विंडरमेयर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि लॉर्ड विंडरमेयर का मिसेज एवलिन के साथ अफेयर चल रहा है, रोमांटिक अफेयर है। तो लेडी विंडरमेयर कहती है, नो हाउ कैन यू से दैट कि माई हस्बैंड इज इंजर्ड इन एनी एक्सटर्नल अफेयर। तो इस बात पे डचेस ऑफ बर्विक बोलती है कि तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड की बैंक पासबुक चेक करनी चाहिए, जिससे तुम्हें अपने आप से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड यू। यहाँ पे डचेस ऑफ बर्विक के कहने के बाद लेडी विंडरमेयर रूम पे जाती है और देखती है वहां पे अपने हस्बैंड की बैंक पासबुक। तो उसको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट किसको ट्रांसफर किया गया है, मिसेज इरविन को। उसके बाद ये पार्टी में वापस आती है तो डचेस ऑफ बर्विक से बोलती है कि आपकी बात एकदम सही है। वहीं पे ये दिखाते हैं कि जो मिसेज इरविन है ये पब्लिकली उस पार्टी में लॉर्ड विंडरमेयर से मनी के लिए डिमांड कर रही है। तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद लेडी विंडरमेयर अपने रूम पे चली जाती है और रूम पे जाने के बाद वो सोचती है मैं क्या करूँ। तो वो लॉर्ड डार्लिंगटन के पास जाती है जो कि उसी पार्टी में होते हैं और उनसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे लॉर्ड डार्लिंगटन इसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा करो तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। लेडी विंडरमेयर बोलती है ठीक है मैं तुम्हें कल बताऊंगी, और ऐसा सोचती हूँ पार्टी छोड़ के अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि अब मैं लॉर्ड डार्लिंगटन के साथ अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह एक नोट लिखती है, उस नोट को टेबल पर रखती है और वहां से चली जाती है पार्टी छोड़कर। कहाँ चली जाती है, लॉर्ड डार्लिंगटन के घर चली जाती है। यहाँ पे दिखाते हैं कि वो नोट मिसेज इरविन को मिल जाता है और मिसेज इरविन उस नोट को अपने पास छुपा लेती है और लेडी विंडरमेयर की तलाश में निकलती हैं। जब उसको ढूंढते हुए निकलती हैं तो लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे पहुंचती है, तो वहां देखती है कि लेडी विंडरमेयर है। तो वो लेडी विंडरमेयर से बात करती है। इतने में ही प्ले में ये दिखाते हैं कि कुछ मैन लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे एंट्री कर रहे हैं। तो लेडी विंटरमेयर और मिसेज इरविन एक जगह छुप जाती हैं। छुपने के बाद दिखाते हैं कि कुछ जो मैन आ रहे थे उसके घर पे, लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे, उस पे लॉर्ड विंटरमेयर भी होते हैं। तो जब लेडी विंटरमेयर यहाँ लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे आई थी तो एक फैन लेके आती है साथ में। फैन मतलब जिससे हवा की जाती है, वो आला फैन जो कि लॉर्ड विंटरमेयर ने उसको एज अ गिफ्ट उस दिन उसके बर्थडे के लिए दिया था। तो जब लॉर्ड विंडरमेयर यहाँ लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे वो फैन देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ये फैन कैसे आया। तो इतने में ही सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मिसेज इरविन होती है, वो लेडी विंडरमेयर कहती है तुम यहाँ से चली जाओ और मैं यहाँ से निकलती हूँ और मैं ये बोल दूंगी कि ये फैन गलती से मैं यहाँ पे लेके आ गई थी।
मिसेज इरलिन अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलती है और लॉर्ड विंडरमेयर से बोलते हैं ये फैन गलती से मेरे साथ यहाँ पे आ गया है। इसके बाद दिखाते हैं सीन कि लेडी विंडरमेयर से यहाँ चली जाती है, लॉर्ड विंडरमेयर भी चले आते हैं। घर पे दिखाते हैं कि लेडी विंडरमेयर अपने बेडरूम में आराम कर रही है, वहीं पर लॉर्ड विंडरमेयर आते हैं और वो लोग कहते हैं कि कल जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो लेडी विंडरमेयर कुछ नहीं बोलती है, बोलते हैं मुझे मैं एक बार मिसेज इरलिन से मिलना चाहती हूँ। तो लॉर्ड विंडरमेयर उसको बोलते हैं कि नहीं, आपको उससे मिलने की दोबारा कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में ही अनाउंसमेंट होता है कि मिसेस एवलिन की एंट्री हो रही है। तो लॉर्ड विंटरमेयर बाहर जाते हैं, उनके पीछे पीछे लेडी विंटरमेयर भी बाहर चली जाती है। तो मिसेज इरलिन यहाँ पे ये बोलती हैं कि मैं एब्रॉड जा रही हूँ हमेशा के लिए, तो लेडी विंटरमेयर क्या आप मुझे अपना एक फोटो अपने बच्चे के साथ देंगी, इन लोगों का 1-6 मंथ का बेबी होता है। तो बोलते क्या तुम अपनी फोटो दोगी, तो लेडी विंटरमेयर चीज के लिए अग्री हो जाती है और वो फोटो लेने जाती है। उतने में लॉर्ड विंटरमेयर और मिसेज इरलिन के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा होता है, उस मोनोलॉग से हमको ये पता चलता है कि एग्जैक्टली जो मिसेज इरलिन है वो लेडी विंडरमेयर की कौन होती है, ये रियल मदर होती है उसकी, जो कि कई सालों पहले जब लेडी विंडरमेयर छोटी होती है तो अपने लवर के लिए वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। यही सेम मिस्टेक उसकी बेटी भी कर रही होती है, लेडी विंडरमेयर, इसलिए वो अपनी बेटी का सपोर्ट करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसी हालत जैसी कंडीशन मेरी हुई है ऐसी मेरी बेटी की भी हालत हो जाए। तो यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आता है कि मिसेज इरलिन लॉर्ड विंडरमेयर को से पैसे क्यों हमेशा मांगती है, क्योंकि ये इमोशनली ब्लैकमेल करती है लॉर्ड विंडरमेयर को कि अगर मैं सोसाइटी में ये बता दूंगी कि मैं लेडी विंडरमेयर की माँ हूँ तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, सबको लगेगा कि इसकी जो मदर है वो कितनी ज्यादा करप्ट है, तुम्हारी वाइफ है सोसाइटी से बिलोंग करती है। अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए लॉर्ड विंडरमेयर हमेशा मिसेज इरविन की हेल्प करते रहते हैं। इतने में ही लेडी विंडरमेयर आ जाती है फोटो लेके, मिसेज इरविन उससे फोटो ले लेती है और बोलती है कि अब मैं हमेशा के लिए एब्रॉड जा रही हूँ और एब्रॉड जा रही हूँ और मैं लॉर्ड अगस्टस के साथ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे शादी कर रही हूँ, और लॉर्ड अगस्टस का हाथ वहां से पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। और लेडी विंडरमेयर और लॉर्ड विंडरमेयर ये हमेशा सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हैं, एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर नहीं करते। कौन सा सीक्रेट? ये सीक्रेट कि लेडी विंडरमेयर लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे थी और जब मिसेज इरलिन के घर पे आती हैं, फोटो मांगती हैं, तो वो एग्जैक्टली फैन वापस करने के बहाने आती है, वो फैन जो कि गलती से लेडी विंडरमेयर लॉर्ड डार्लिंगटन के घर पे ले गई होती है। ये सीक्रेट लेडी विंडरमेयर हमेशा सीक्रेट रखती है, लॉर्ड विंडरमेयर ये सीक्रेट हमेशा रखते हैं कि एग्जैक्टली मिसेज इरलिन तुम्हारी रियल मदर है, उससे मेरा कोई भी रोमांटिक अफेयर नहीं है। और यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। तो आपको ये प्ले बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।